हाँ देखो बच्चों, व्यतिकरण की सवाले लगवा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे, थोड़ा तेज लगवाएंगे। प्रश्न पढ़ रहे हैं, स्नेहा ओझा बताना यही है। यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 10^-3 मीटर, यही है सवाल। तो देखो हमारे बीच स्नेहा बेटा बैठी हुई है, छठा सवाल है, पांच सवाल कल हो चुका था। तो स्लिटों के बीच की दूरी या झर्रियों के बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखा जाता है बच्चों, ये हमेशा याद रहे। 10^-3 मीटर मतलब स्लिटों के बीच की दूरी, कह रहा है स्लिटों तथा पर्दों के बीच की दूरी 3 मीटर। आप सभी बच्चों को पता है कि पर्दे की दूरी कितना से लिखी जाती है, कैपिटल डी से। सवाल जितना ज्यादा लगवाएंगे ये चीज क्लियर होना चाहिए कि क्या है स्मॉल डी, क्या है कैपिटल डी, ये सीख जाओ। फ्रिंज की चौड़ाई 2.1×10^-3 मीटर, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर 2.1×10^-3 मीटर। कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बताओ। देखो बच्चों, सवाल एक टेक्निकल नहीं है, सूत्र डिपेंडेंट सवाल है। तो बोला क्यों मैंने, क्योंकि बेटा जो है बोर्ड में आई हुई थी, तो मैं सोचता हूँ जो सवाल बोर्ड में आई रहे वो जरूर लग जाए, इसलिए इसको लगवा रहा हूँ। तो अब आप समझ गए खुद ही, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक डेरिवेशन हम कराए हैं, हमारे बीच रवि यादव भी आए हुए हैं। तो विधा उधा के यहाँ देखो जरा, लेमडा कैपिटल डी बटा डी, यही सूत्र था बेटा सिवाचो। इसके प्रयोग से लेमडा जानना चाहें तो डब्लू स्मॉल डी बटा कैपिटल डी, जितना सवाल लगाओ आयुष उतने सूत्र याद हो जाना चाहिए। तो सुनिए बेटा, डब्लू की जगह 2.1×10^-3, स्मॉल डी की जगह 10^-3, कैपिटल डी की जगह 3। सॉरी जरा ध्यान देना, 3 7 बोलो, हाँ सर, 3 3 6 1 यहाँ है 7 10^-7 मीटर, यहाँ हम इसको 7000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, इधर क्लियर। तो ये पहला आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बीनू बेटा बताना यही एक दूसरा। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर, आई एम राइट। सवाल नंबर 7, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर। प्यारे बच्चों, स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी से लिखी जाती है 0.4 मिलीमीटर, तो 0.4×10^-3 मीटर। यशपाल बेटा आगे देखो, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, तरंगदैर्ध्य को लेमडी से लिखते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000×10^-10 मीटर, यानी डबल बेटा। यहाँ देखो जरा, व्यतिकरण प्रारूप 100 सेमी दूर पर्दे पर देखा जाता है, पर्दे की दूरी कैपिटल डी और 100 सेमी का मतलब 1 मीटर दिया। ओके डन। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त एवं तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी बताओ। क्या पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, जो चीजें पूछेगा बता देंगे। इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहें W बताओ, जरूरत नहीं है लेकिन हम कहें, मान लो हम कहें, जानकार आती है, लेमडा डी बाई डी, यही होता है। असलानुद्दीन बोल रहा है, बोर्ड के अलावा ये सारी चीज देखी जाओ, फिर कौन गदेला कहाँ बैठा बा, कौन मनाई कहाँ बैठा बा, के क्या करता है, बोर्ड देखा कर। 6000×10^-10, कैपिटल डी 1, स्मॉल डी 1। समझ आया बेटा, कैलकुलेशन करें। यहां गौर से देखो जरा, सभी लोग दशमलव हटा देंगे तो यहां बगल में 4 0 हो जाएगा, 4 1/2 ऐसा, ऋण 3 ऊपर का धन 3, और यहां 4 बना रहा, 4 3 10 7 गए, मतलब हमें क्या लिख सकी थी, 1.5 मिलीमीटर। इतना समझ में आया बेटा, अच्छा ठीक। अब जो पूछा गया होगा बताऊंगा, केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त और तृतीय दीप्त, इसलिए तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी
तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। हमने कल आपको सूत्र बताया था कि अगर दीप्त फ्रिंज की दूरी का है तो n d लैम्डा बाय d, और अदीप्त फ्रिंज की दूरी का है तो n माइनस हाफ d लैम्डा बाय d। याद आया? तो तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी माने 3 d लैम्डा बाय d। अब आपको ध्यान में आ गया होगा सोनी जी, d लैम्डा बटा d यहां निकाले, यही डायरेक्ट दिखाई दे भाई, 4.5 मिलीमीटर, कौन दिक्कत? तड़ाक से आ गया नहीं आ गया। और द्वितीय अदीप्त पूछ रहा है, 2017 में आई थी सवाल, द्वितीय जो सवाल बोले हैं सब बोर्ड में आई हुई है, द्वितीय अदीप्त याद करो, n माइनस हाफ तो 2 माइनस हाफ डी लैम्डा बाय डी, यही तो होगा, दो दूनी 4 में से 1 गए, यहां डी लैम्डा बटा 2 कितना आया है, द्वितीय अदीप्त 2 दूनी 4 में से 1 गए 3 बटा 2, तो 3/2 माने 1.5 हाथ में आ 15 15 25 दो देखी बात करते तो यह कैलकुलेशन शॉर्टकट चलत की, तो ये समझ में आ गया आप सबको, ये दूरियां आ गई। बोलो हाँ सर, अगला सवाल पढ़ रहे हैं, मेनू देखना बेटा, अधिक यंग के प्रयोग में, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं भाई यशपाल रेड्डी, यंग के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, यही सवाल है बेटा। स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी, स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर, तो जो जो दिया लिख दे रहे हैं, तरंग दैर्ध्य कितना दिया बच्चों, लैम्डी 6000 एंगस्ट्रॉम, एनी डाउट किसी को, स्मॉल डी का हुआ कैपिटल डी का हुआ ये पता लग जाए इस बालक, स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेमी, स्मॉल डी 0.05 × 10^-2 मीटर, सेंटीमीटर माने 10^-2 लगाओ जाता यूज, और क्या कहता है, स्लिटों से पर्दे की दूरी 1 मीटर, पर्दे की दूरी 1 मीटर, कहत बात प्रथम अदीप्त व प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी बताओ, प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त फ्रिंजों के मध्य की, तो देखो जरा यहां, प्रथम अदीप्त, पहले अदीप्त क्या है, दीप्त व प्रथम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, यही कह रहा है ना, माने इनकी दूरियां नहीं इनके बीच, माने दो दूरी डिफरेंस नहीं मानू, प्रथम अदीप्त n माइनस हाफ d लैम्डा बटे d, डिफरेंस प्रथम दीप्त, ओके, एक में से आधा गए, देखा ताड़ा डी लैम्डा बटा डी में आधा डी लैम्डा बटा डी घटाओ तो आधा डी लैम्डा बटा डी आ जाए, ना पक्का तो दिया कैपिटल डी का मान 1 लैम्डी, स्मॉल डी आज तो का सबका कैलकुलेशन सिखाओ हम, टुडे ऑल ऑफ यू सीखो कैलकुलेशन, दिखाए 2 घात एमए चली के बोला जोर से 10^-4 दशमलव माने 1 घात, 5 × 10^-10 = 1 घात, 4 में 1 घट गए, 3 ऊपर गए, 3 × 10^-6 गए, देख ले, ओके, माने 0.6 मिलीमीटर, ये कैसे करे, एक अंक नेमा लगा दी 10^-3 हो गया, सर गए 10^-3 माने मिलीमीटर होता है।
अगला पढ़ें। नेहा बेटा चौटेन, ध्यान से सुनो। एयंग के प्रयोग में दीर्घ रेखा छेद प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर और पर्दा 1.6 मीटर पर है। 2017-18 ही है तो स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर, यही कहा बेटा यशपाल? ए रेड्डी आंसर देखो 0.2 मिलीमीटर, पर्दा 1.6 मीटर है, पर्दा कैपिटल डी। और क्या कह रहा बेटा? देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8। केंद्रीय क्या बोला है? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय फ्रिंज से चौथी फ्रिंज की दूरी आप जानते हो एक्सएम, ठीक है? यही होता है कि नहीं? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 है। माने चौथी क्या कहा है? दीप्त बोला क्या? दीप्त चौथी अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज दूरी ए 4-7 डी लेमडा बटे डी, यही भाई नहीं मानोगे? चौथी अदीप्त फ्रिंज का मतलब क्या हुआ? केंद्रीय फ्रिंज से हमेशा हर दूरी केंद्रीय फ्रिंज से नापा जाता है, ठीक है ना? जो CO वाली लाइन थी O से X याद आया? तो चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी 1.8 सेमी है। हाउ मच? 2×8 देख गए, कैपिटल डी माने लेमडवा ना मालूम, स्मॉल डी ओके बेहद टू निकालना है लेमडी, क्या निकालना है? चलो 18×2 3 3×5 दू ये बया नहीं है। सात गुणे 1.6 समझ आए ना? फोन कर दिया 18×2 36 2×9 3×5 नीचे आ गया 7×2 चलो देखा हूं। दो इस भाग दे दिया 8×56 दशमलव में 1 बचा 1 ही हो गया 6 थोड़ा दिक्कत भाग दे 36 चार नवाई 36 कहा था लगा वहां क्या लगा 90 14×6 60 14×4 40 14×9 28 12 120 14×8 सर गए क्या? छह दशमलव 4 2 8 और 64 28 ओके हाँ वंश के अग्रवाल अगला सवाल 2 मिलीमीटर वाला है। हाँ वंश के अग्रवाल ध्यान देना, 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित दो पतली समांतर स्लिटों पर, तो कै मिलीमीटर की दूरी पर स्थित? अच्छा 2×10⁻³
क्या क्या हो जाए जी, मत 6000 एक स्टाम्प तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लेमडा 6000 आगे बढ़े। स्लेटों से 30 सेमी दूरी पर रखे पर्दे पर, ये तो बकवास सवाल है, बकवास है कि नहीं? क्या पूछ रहा है? लेमडा डी बाई डी, नहीं मानोगे बकवास, नहीं मानोगे इसको। 6000 मतलब सूत्र डिपेंडेंट है ना, 30×10^-, तो बटा स्मॉल डी, एनेहा रोज बहुत खा तू जान तू, मैं कुलकुले सन शॉर्ट कट मारा, चला शॉर्ट कट। छात्री बोल 18 क्या था? बोल लो कि ना मैं किया ऋण तीन ऊपर गए, तीन तीन छह, छह और दस दुई बारह, सात गए ना समझो। अरे तीन तीन छह हो गए बेटा, छह सात आई ऋण वाला बारह, पांच पांच माने 0.09 मिलीमीटर। ओके ओके दशमलव 2.8 वाला है। हाँ देखो पढ़ रहे हैं, यंग के द्विक रेखाचित्र प्रयोग में स्लिटें 0.08 मिलीमीटर दूरी पर हैं। हमारे साथ लगाइए सवाल नंबर 11, डी बराबर 0.08×10^-3 मीटर। एनी डाउट टू एनीबडी? पर्दा 1.4 मीटर दूरी पर रखा, हमारे साथ लगाओ नेहा 1.4 मीटर कैपिटल डी। सभी बच्चे हमारे साथ लगाएं। केंद्रीय डेप्थ फ्रिंज और चौथे डेप्थ फ्रिंज की दूरी 1.2 मिलीमीटर, चौथी डेप्थ फ्रिंज 1.2 मिलीमीटर दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर कह रहा, फ्रिंज चौड़ाई और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बताओ। तो सभी बच्चे ध्यान दें, इधर ध्यान दें, चूंकि एक्स फोर बराबर 1.2 सेंटीमीटर, एक्स फोर मतलब 4d λ/d बराबर 1.2 सेमी, माने 4w बराबर 1.2, तो w बराबर 4×12.3 सेमी, फ्रिंज चौड़ाई आ गई। ठीक बेटा, पुनः w माने d λ/d बराबर 0.3×10^-2, लेमडा बराबर 0.3×10^-2, स्मॉल डी ऊपर गया माने 0.28×10^-3, कैपिटल डी नीचे आया 1.4। देखो बेटा ये 0.0 से 0.0 हट गया, 14×2 28, 2×3 6, 3×2 5 और 2×7 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके अगला सवाल क्या है जरा पढ़ो एसपाल रेड्डी। यंग के प्रयोग में दो स्लिट के बीच की दूरी कितना है? 0.03 सेंटीमीटर। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 0.03 सेमी दिया है, ये स्मॉल डी दिया हुआ है बच्चों, और प्रश्न कह रहा है ध्यान से सुनो, 1.5 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, कैपिटल डी दिया है कि नहीं? सभी लोग जो दिया है राइट करते जा रहे हैं। चौथी डीप्थ फ्रिंज 1 सेमी दूरी पर है, वही सवाल है, एक्स फोर कितना दिया है बेटा? 1 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बताओ, तो यहाँ बेटा एक्स फोर का मतलब 4d λ/d = 10^-2, यानी डबल बेटा, तो लेमडा निकाल सकते हो बेटा, तो डी डी कितना है? 0.03×10^-2×10^-2 बटे 4 और डी नीचे 4 और कैपिटल डी का मान 1.5, 15×60 6 आया, क्या आया? 6। अब यहाँ पर देखो 2×2 4×2 6 7 6×5 30 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 13 नंबर की सवाल पढ़े बेटा, समझ आ रहा है सबको कि नहीं बेटा? आ रहा है ना? लास्ट वाली है,
कह रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में एक स्लिट के सामने 1.5 अपवर्तनांक की पारदर्शक प्लेट। तो क्या दिया है बच्चों, यंग बराबर 1.5। एनी डाउट टू एनीबॉडी? दीप्त फ्रिंज 10 मिलीमीटर विस्थापित हो जाती है। जब जो है पारदर्शक प्लेट रखते हैं तो दीप्त फ्रिंज कितना विस्थापित होती है? 10 मिलीमीटर। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 1.5 मिलीमीटर, 1.5 × 10⁻³ मीटर। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, स्लिटों के बीच पर्दे की दूरी 1 मीटर है। कह रहा है मोटाई बताओ, अभी भी डेरिवेशन का सूत्र भी लिखाए थे, जल्दी बताओ सोनी क्या सूत्र बताए थे? x0 = n-1 t, जल्दी बताओ। देखिए d/d यही था, यही है, बोलो। देखिए बोलो, तो अब यहाँ बेटा हमको स्मॉल टी चाहिए, से स्मॉल टी बराबर x0 (d)(n-1)(D). एनी डाउट टू एनीबॉडी? मानक दो x0 (10⁻³) स्मॉल डी 1.5 × 10⁻³, एन माइनस वन 1.5 - 1 इंटू कैपिटल डी 1 15 × 1.5 × 10⁻⁶ / 10.5 30 माने 3 × 10⁵ - 5 मीटर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? 0.03 मिलीमीटर। इसी के साथ इस चैप्टर की सारी सवाले हम समाप्त समझ रहे हैं। और देखो बच्चों, सवाले आप लगाइएगा, यदि कोई सवाल पूछेबल हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन यकीन करो कोई सवाल